हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो बड़े ही दिनों के बाद, बड़े ही लंबे टाइम के बाद फाइनली दोबारा से मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है। तो जैसे कि मैंने पोल रखा था अपने इंस्टाग्राम में और पूछा था आप लोगों से कि क्या मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने बोला था कि हाँ, आपको व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। जैसे कि आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा, रूम मैं चेंज कर चुका हूँ दोबारा से। आपको बता दूँ कि अभी मैं अपने नए रूम में हूँ और कराता हूँ आपको रूम टूर। और ये मेरा तीसरा रूम टूर होने वाला है दुबई में, इस होटल में जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। सबसे पहला रूम जो था मेरा रिमराम एरिया में था, उसके बाद अल बरारी एरिया में गया और अभी जो मैं हूँ वो हूँ अल फोर्जन। तो यहाँ का व्यू, पार्क का व्यू और रूम का टूर मैं आपको फटाफट से कराता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं एक एक करके हर किसी का रिप्लाई करता हूँ मैं। सो फटाफट से पहले तो मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है और शुरू से दिखाता हूँ। सो ये बाहर का एरिया है, यहाँ पर अलग अलग रूम है और ये पानी रखा हुआ है। तो पानी की फैसिलिटी है इसलिए हर रूम को पानी दिया गया है। और मेरा सबसे लास्ट रूम है। इसके बाद यहाँ पर ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे अंदर घुसते ही तो यहाँ पर छोटा सा किचन है, देख सकते हैं। यहाँ पर राइस कुकर वगैरह रखा है और वॉश बेसिन है। यहाँ पर आपको गैस मिलता है, पर आपको ओवन भी मिलता है। और यहाँ पर एग्जॉस्ट है जिसमें कि आप बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है। और एग्जॉस्ट में से मैंने बंद किया हुआ है, ये बहुत साउंड करता है इसलिए। सो इस तरह से ये एग्जॉस्ट चलता है। सो ओवन आपको दिया गया है, माइक्रोवेव दिया गया है। और उसके बाद नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर आप कुछ भी ओवन टाइप का, मतलब ये है छोटा सा, यहाँ पर आप कुछ भी अगर ओवन से रिलेटेड कुछ रोस्ट वगैरह करना है, आपको खाना बनाना है तो फिर। तो यहाँ पर दरवाजा है और ये भी एक दरवाजा है। इसके अंदर आपको मिलेगा वॉशिंग मशीन और यहाँ पर गंदे कपड़े रखे हुए हैं जो कि धोने के लिए रखे रहते हैं। पीछे मैं अपना लगेज रखा हुआ है, मेरे पास दो लगेज है बड़े बड़े, तो थोड़ा स्पेस यहाँ पे खाली था इसलिए मैंने यहाँ पर अपना लगेज रखा हुआ है। एकदम नई है, आप देख सकते हैं पूरी नई है। और इसके अभी फ़िलहाल तो ये नई आई है जस्ट कुछ ही देर पहले, इसको मैं बांध देखूँगा। तो ये छोटा सा रूम है जिसके अंदर कि आपको वॉशिंग मशीन मिल जाता है। किचन के बगल में छोटा सा किचन है, उसके बगल में आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पर वॉश बेसिन है। यहाँ मैं हूँ आईफोन 10 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इस तरफ को आपको शावर मिल जाता है, यहाँ पर नहाने का है। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये बड़ा सा फ्रिज आपको मिल जाएगा जिस, और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है फ्रीजर है, इसके अंदर भी फ्रीजर वाले आइटम्स रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पर्दा लगाया क्योंकि ये पूरा खुला हुआ था और ये पर्दा लगा के रूम अलग हो जाता है और किचन अलग हो जाता है, तो इसलिए मैंने पर्दा लगाया था यहाँ पर छोटा सा। यहाँ पर दो कबर्ड है मेरे और उसके बाद यहाँ पर मेरा बेड है और यहाँ पर मेरा रूममेट है जिसका कि ये बेड है, उसका कबर्ड यहाँ अटैच्ड है वॉल से, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर मेरा कबर्ड है जिसके कि ऊपर मेरा बड़ा टेडी रखा हुआ है और एक लगेज मेरा ये है। सो यहाँ पर AC है और ये मेरा मंदिर है, ट्रिपॉड को मैं हटा देता हूँ। ये मेरा मंदिर है जो कि होता है मेरे बगल में हमेशा। और यहाँ से हम बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये यहाँ का व्यू है गाइस, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेट्रो है, मेट्रो है और ये मेट्रो जा भी रही है, आप देख सकते हैं। ये प्लेग्राउंड है, जब भी ऑफ होता है, यहाँ पर फ्राइडे को ऑफ होता है तो यहाँ पर पूरी भीड़ रहती है, लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, मेरा होटल है वहाँ पर। सो ये पूरा व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, शाम हो जाती है तो इसका जो व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये छोटी मेरी बालकोनी है, यहाँ पर मैंने बेसिन्स लगाए हैं, मिट्टी वगैरह इकट्ठा करते रहता हूँ। दुबई में मिट्टी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप देख सकते हैं पूरा सैंड है, जहाँ भी आपको दिखेगा पूरा रेत ही रेत है, तो मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल आता है। बट ये भी है देखो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये मैंने जस्ट अभी नया बनाया है, घर से मैं लाया था धनिया और मिर्ची, बट दिन से ज़्यादा हो गया है, कुछ लग नहीं रहा है, ये बस घास फूस आ रहे हैं, कुछ नहीं है, छोटे छोटे। फिलहाल यहाँ पर मेरे शूज़ हैं। शाम को बस यहीं बालकनी में बैठ के चाय पी जाती है, बहुत अच्छा लगता है। शाम का व्यू देखता हूँ मैं, आपको बताऊँगा, आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद कैसा व्यू होता है यहाँ का।
तो गाइस यही बस छोटा सा रूम टूर था मेरा, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा रूम है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब ये एक स्टूडियो रूम है। ये पूरी बिल्डिंग जो है हमारे होटल ने ली है, और हमारे दो होटल यहाँ पर है, तो दोनों के जो स्टाफ है इसी बिल्डिंग में रहते हैं, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैं बता दूँ ये 10th फ्लोर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और यहाँ पर स्टूडियो रूम, यहाँ पर हर रूम अलग अलग टाइप का है, मतलब जैसे ये स्टूडियो है ये बेसिकली एक सिंगल इंसान के लिए है, बट होटल वाले ने इसको दो में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर भी ठीक है। तो के हिसाब से ये छोटा है बट मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि जब भी मैं ड्यूटी से आता हूँ तो मेरा रूममेट यहाँ नहीं होता है, वो ड्यूटी में होता है, और जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा रूममेट उस समय आता है, तो मेरे लिए एक तरह से सिंगल रूम ही है। मुझे तो अकेले अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जो रूममेट है कभी भी मुझे इंडियन नहीं मिला, कभी फिलीपिन, कभी अफ्रीका का, कभी नाइजीरिया का, मतलब कोई ना कोई मिलते रहता है, बट इंडियन कभी नहीं मिलते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंडियन अगर मिल भी जाए तो उनसे बनती नहीं है, पर ठीक है, बंदा बढ़िया है। और जब भी ड्यूटी में रहता है तो मैं रूम पे रहता हूँ, और जब मैं ड्यूटी में रहता हूँ तो वो रूम पे रहता है। सो गाइज, आने वाले टाइम में, मतलब ये तो अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से, जैसे कि मैं हर वक्त करता हूँ कोशिश, आप अपना सपोर्ट करते रहिए। आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू शेफ़ और नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है देसी ब्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको किसी भी तरह से अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बस इसी तरह से अब शुरू होती है व्लॉगिंग की सीरीज़, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग जो है इंडिया का होगा, जो कि मैंने बनाया है आप लोगों के लिए और अपने लिए, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए देसी ब्लॉगर। सो गाइस, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।